सारंग मित्र राम राम सास बहुगतड़ का यूट्यूब चैनल पर सारंग स्वागत है। तो कई दिन हो गया मैं रह उगी मुँह पर बहुत ज़्यादा एलर्जी, और एलर्जी के चीज़ होगी आज थार सागर भी मैं शेयर कर लाग रही हूँ बात चीज़ भी मैंने एलर्जी के चीज़ हो रही है। मन कई दिन हो गया मैं अब गाँव जा गई तो गाँव गई नहीं भी बाद में मैं सोचो भी बैठे बोली बहुत ही माटी रेत और बहुत ही ज़्यादा बारी और करियो नहीं तो बिंग बजाऊँ मेरे एलर्जी होगी तो पूरे चेहरे पर इं लगे मेरे अटकर और इं लगे भी आपनों को यहाँ जो रोटी सेकर भी बाप हुआ भी आप हाथ कबल जाए तो जलन कितनी हो जाए एक सिर्फ इतने तो चेहरे के जलन हो लग गई मेरे बहुत ही ज़्यादा है। इं लगे जब मैंने नहीं कट्ठे पाँच दस पंद्रह या मच्छर खा गया भी या मेरे मच्छर खाएड़ा सो जाए और जलन रहे बहुत ही, पर मेरी चीज समझ में कौन है भी मैंने एलर्जी के चीज़ करने लग रही है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखती रही पिताती रही मैंने कई चीज़ किसी एलर्जी करे तो बाद में मैंने पता चलो मैं धीरे धीरे चीज़ा हूँ देखियो और परख्यो भी मैंने कई चीज़ एलर्जी करे। तो एक चीज़ मैंने एलर्जी करे बर्फ को पानी, दूसरे नंबर पर जगह पर कुकर में सब्जी बनावा नहीं वो कुकर और सलवर गज का टोपी है तो वास्तव में सलवर में इतनी ज़्यादा एलर्जी होगी बुरा हाल हो गया मेरे सिर्फ चेहरे चेहरे चेहरों अजीब सो जमा लाल रहने लग गयो और पूरे चेहरे पर खा जावा जलन रहे। दो चीज़ों में अब तीन दिनों को पूरा परहेज रखने लग रही हूँ थोड़ा कम कर दी वे चीज़ा तो बहुत ही बेगो आराम भी आने लग गयो ठीक भी होने लग गयो। तो भी खातर सिर्फ मैं पानी में सेरों दूँ सिर्फ दिन में तीन चार बढ़िया ठंडे ठंडे पानी लगे मेरे चेहरे पर जलन होगी जलन अब चेहरों काल बाद में रंग थोड़ो ठीक होने लग गयो और लाल जो बहुत ज़्यादा रहें तो वो भी मेरे सही होने लग गयो। तो वास्तव में हर आजकल हर किने छोटा मोटा ने एलर्जी है तो जरूर जरूर कुकरों जरूर बची हो वास्तव में यार एलर्जी वाली तो बड़ी खतरनाक वाली वाली समझ में ही कोई नहीं आवे अपन के चीज़ एलर्जी कर लगे कुकरों भी एलर्जी वे और सलवर का बर्तन भी तो भी ज़्यादा हो सके नहीं भी तो ज़्यादा दूर रही हो और दोनों चीज़ होना जी एक बर्फ के पानी मटको रखो कोरो और भी मटकल पानी पियो और इतनी ज़्यादा एलर्जी मैं सोचू कोई नहीं भी इं इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जी सी कि भी हूँ ठंडे पानी बर्फ को पानी बच्चा गाली मैं बर्फ को पानी पीती रही तो पूरी कंठा में खसखसी चल रही पूरी तरियाँ मन समझ में ना आवे भी मन जुकाम हो गया कि दिक्कत की हो रही है और मैं धीरे धीरे वो पानी बंद कर दियो पीणो गलो बिल्कुल सही हो गयो ना कोई खांसी आ ना कोई बात पहला मैं चार टप्पा ही बोल देती नहीं तो खसखसी चल रहा बोली जाए ना बोली जाने तो बुरा हाल हो गयो। अब तो मैं 40-45 मिनट को सुंदर कांड को पाठ करूँ एक स्पीड में पढ़ दूँ आधा घंटा ही मामा ना कभी कंठ में खरखरी ना चले नहीं मेरे पढ़ी स्तू को नहीं भी थोड़ा सा दो टप्पा लूँ बहुत ही हो जी अजीब सी। तो भाई एलर्जी जकन है तो बाजा आप दवाई गोली सारी चीज़ लेने तो भी पहला आप को पूरा ध्यान रखे चीज़ ने समझो भी अपन के चीज़ एलर्जी कर लग गई भी चीज़ धीरे धीरे भी पीछे छोड़ दियो जो कोई न्याल हो जाओ बाकी बर्फ को पानी तो बहुत ही ज़्यादा खराब करे वो भी छोड़ो मटकाड़ो पानी हर चीज़ मिट्टी का बर्तन आने लग गया आजकल बढ़िया तो मिट्टी का बर्तन सारा ज़्यादा अच्छा है यूज कर लियो तो धीरे धीरे करके मैं भी तो मिट्टी को मंगा लियो सब्जी भी कुलरती मंगा ली और अटोसन भी परात भी बा मंगा लिया कर करके धीरे धीरे चीज़ें मैं हटाने लग रही हूँ क्यों नीरो रोग है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है भी मैं आज तक ज़्यादा दवाई कदी क्यों ली मेरे सिर भी कौन तो कभी कभी ज़्यादा कुछ रोग दो होया कोई नहीं होया जब मोटा ही होया सीधा ऑपरेशन तक ही पुगे जब भी कोई आँख हो तो आँख ऑपरेशन करवाना पड़े और कोई दो तीन दिक्कत हो तो मैं भी ऑपरेशन कराना पड़े पुगे जब मेरे ऑपरेशन तक ही पुगे भी पहला सिर भी कौन दुख है ना कुछ होया मेरी इतनी उम्र देखते भी मेरे कौन दुख है कुछ भी हट्टी कट्टी सब कुछ सही है वैसे एक एलर्जी वाली दिक्कत होगी और शायद कुछ चीज़ा इं भी वे आप दवाई पानी जिता भी दूर रहा और अपने सेहत को आप ख्याल रखा खाने पीने का ख्याल रखा ज़्यादातर तो मन लगे रोग दोग भी बहुत ही कम आए और पहला पहला तो रूटीन में मैं हमेशा उठते ही गर्म पानी में कभी कौन पीऊँ पर योगा जरूर करती जब भी मैं चाह बना रहती तो योगा जरूर सागे सागे राखती योगा में शरीर बहुत फिट रहे सोरो भी रहे और गर्मी तो इतनी बुरी हाल है मेरे पसीनों पानी तरियाँ बुरा हाल हो रहा है अभी तो अजय तो नॉर्मली आधी साफ सफाई करी रोटी पानी सारा कुछ मना ना पड़े तो भी मेरा बुरा हाल हो रहा है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दिनों में
कूलर पंखा सारा दूर आके वीडियो बनानी पड़े मन क्यों की मैं तो ज़्यादा खड़कों लग तो मैं आगे कोई गेस्ट भी आया एक कोई पंजाब तो मैं कमरे में बैठे तो यहीं खत्म मैं बाहर गैलरी में आ गई। तो वीडियो बनानी भी बहुत ही जरूरी भी आ चीज़ था जरूर बताऊँ भी एलर्जी हो तो लोगों ने हो रही है तो आप चीज़ों छोड़ना को नहीं दवाई का नहीं बाज पड़ा दवाई लेता रहा अज की चीज़ में अपन एलर्जी है भी चीज़ को ध्यान भी करो या सिर्फ बाज गए आप एलर्जी की जांच करो तो भी पहले अपन समझना चाहिए अपन के चीज़ को एलर्जी हुई भी चीज़ को ध्यान रखे और मटके को पानी पीण और कई चीज़ें हैं बर्तन को जो थोड़ा बहुत आप रखें तो शरीर भी फिट रहेगा और रोग भी कौन लगे अपन दवाई भी कौन लेनी पड़े सारा खतरनाक लेनी दवाई लगे मन तो बहुत दोरी तो वह भी कौन लेनी पड़े। तो सारा मेरी तरफ राम राम कॉमेंट शेयर लाइक जरूर करियो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और साथ सपोर्ट ये बनाई रखियो और लारे से जाओ कुछ भी लोगों मन कुछ गलत बोले बिंगो पर लोगों का विचार बहुत अच्छा है तो सारा दिलू धन्यवाद भी चीज़ ने देखे आज मन थोड़ो सो रात सी फील हुई अभी की कौन दुनिया ये करती रहेगी तू यहीं बढ़ती रहे। सारा मेरी तरफ राम राम।